शिट, रोड देख रहे हो अभी तो जीटी का भी हाल चाल देखना है, अगर उसकी भी क्लच प्लेट गई है तो उसको भी भाई धक्के वक्के मारने ही पड़ेंगे। ओ ओ ओ ओ आराम से मेरे भाइयों। गाइस इस गाड़ी की जो क्लच असेंबली है उसकी लग चुकी वाट। आगे से उठेगी भाई, उठा उठा। अब यस हैप्पी बर्थडे टू इंडिया। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मैला बाग के पार्ट टू में, और अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30। वो बंदे की गाड़ी गिर गई। ओ मेरे भाई, क्यों खामा खा कंटेंट दिला रहे हो तुम? अरे यहाँ पे यार फिसलन हो रही है, लगी तो नहीं ना? चलो चलो पैसा करवा लो। ओ हो, ये कौन सा एरिया है? शानदार, खतरनाक यार, कितना प्यारा लग रहा है। ओह शिट, रोड देख रहे हो? एक नंबर, क्या रास्ता है गाइस, मजा आ गया। बस आराम से सब चल जाए यार, कोई गिरे भी ना। बस मेन चक्कर ये है कि वापस यहाँ चढ़ानी भी है भाई। क्लासिक को लाना कोई कम बात नहीं है। क्या बात है, एक नंबर रोड है यार। ओए ओए, अब मजा आ रहा है यार ऑफ रोड करने में। एक्स पल्स वगैरह होती तो क्या खतरनाक मजा होता गाइस, है ना? पर रानी जो मजे दे दिए ना, माँ कसम मुझे नहीं लगता कोई और गाड़ी देगी यार। मतलब इस सेगमेंट में ये गाड़ी इतने मजे दे रही है, मतलब मस्त है यार। और एक गाड़ी नहीं आई सिर्फ गाइस, KTM ड्यूक एक नहीं आई, तीन तीन चार चार आई है। 390 भी है, 200 भी है, 250 भी है, सारे सेगमेंट चल रहे हैं ऑफ रोडिंग में। एक 390 तो हमारे आगे ही चल रही है, देख रहे हो चारों तरफ गाइस, भैंस ही देखो, भैंस ही भैंस है। और मस हम यहाँ पे बीच रोड पे चला रहे हैं अपनी बाइक्स, ऑफ रोड कर रहे हैं। हाय 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 भाई, कुछ भी कहो, क्लासिक वाले बंदे को दाद देनी पड़ेगी। अपनी वाइफ को उठा के चला रहा है बंदा, और क्या निकाल रहा है यार, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास होके चला रहा है। और गाड़ी की भी दाद देनी पड़ेगी, क्या गाड़ी है, मतलब आराम से हर जगह बंदे का साथ दिया, हर जगह कहीं अटकने नहीं दिया। नहीं तो इतनी हाइट, इतनी हाई वेट गाड़ी है, दिक्कत दे सकती है वैसे देना चाहे तो, पर नहीं यार, आराम से हर जगह से निकल रही है गाड़ी। अगर अपने रानी का टायर चेंज नहीं कराया होता ना, तो अपन को पिछला टायर दिक्कत दे सकता था, बट अपने टायर चेंज करा दिया, दैट्स व्हाई कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से चल रही है यार। मतलब कैमरा बंद करने का तो मन ही नहीं कर रहा, बस चलते रहे चलते रहे, इतना मजा आ रहा है ऑफ रोड करने में। पता नहीं साला दो पार्ट बने चाहे तीन पार्ट बने, आराम से डालूंगा सारी चीजें डालूंगा। याद रहनी चाहिए गाइस अपनी याद, कि हाँ ऐसे ऑफ रोडिंग करा करते थे लोग। गाइस थोड़ा हम आ चुके हैं बाहर की साइड, लेट्स सी देखते हैं यहाँ से कौन सा रास्ता निकलता है। बावड़ी बनी हुई है और आराम से लोग बैठे हुए अंदर। अरे अरे ये भाई तो एक्सट्रीम ही है, ये देखो।
ट्रैकिंग करी है मैंने पापड़ के हनुमान जी। अच्छा ये पापड़ के हनुमान जी आ गए क्या? ओके तो गाइस भैया बता रहे हैं जज इसके पीछे पापड़ के हनुमान जी है। ओके गाइस तो फाइनली सारी बाइक्स यहाँ लगी हुई है और जिस लोकेशन पे हमें जाना था वो लोकेशन है ये माइला बाग। तो गाइस माइला बाग की जो खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ, जब पुराने राजा महाराजा होते थे वो यहाँ पे आते थे, रात को रुकते थे और यहाँ मस्त मस्त भाई शिकार करते थे। तो ये माइला बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बना हुआ जंगल के बीच में, तो यही खासियत है गाइस इसकी, राजा महाराजा रात को आगे रुकते थे देन शिकार करते थे देन नेक्स्ट मॉर्निंग वापस रवाना। तो अभी अंदर जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, अंदर का व्यू दिखाऊंगा मैं आपको और ऐसे कुछ हमारा भाई वाइब है यहाँ पे। चलते हैं गाइस अंदर। ओके गाइस तो यहाँ पे लग चुकी है हमारी सारी बाइक, थोड़ी बहुत बाहर है, थोड़े बहुत बाइक कहीं और निकले हुए हैं, तो अभी जा रहा हूँ मैं थोड़ा ऊपर की साइड आपको व्यू दिखाना है। चलते गाइस यहाँ से ऊपर और दिखा रहा हूँ आपको व्यू क्या है। ऐसा कुछ व्यू है गाइस, राजा महाराज जो की भी अलग ही कहानी है, मतलब कुछ भी चीज़ शिकार करना है, नई चीज़ बनाओ, नहाना है नया महल बना लो, घर रहना है नया महल बना लो, हर चीज़ के लिए महल ही महल बना लिए थे, हर चीज़ के लिए नए नए महल बनाते थे। तो वो चीज़ आज अपन एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ सब गेड़ी मार रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोग राइडर्स हैं, सब लोग हैं भाई यहाँ पे। ग्रीनरी देखो यार, हमारी गाड़ियाँ लगी हुई है, ये खड़े कपिल भाई, यही सारी हमारी गाड़ी और थोड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे भी है और थोड़ी बाहर रह गई गाइस जो ख़राब हो गई थी। बाकी अभी तो जीटी का भी हाल चाल देखना है, अगर उसकी भी क्लच प्लेट गई है तो उसको भी भाई धक्के वक्के मारने ही पड़ेंगे। तो लेट्स सी, अभी एडवेंचर चालू नहीं होगा, इस रियल एडवेंचर तो अभी चालू होगा क्योंकि हमें बाहर भी जाना है। और अभी यहाँ से हम सारे के सारे जो बाइकर्स हैं वो निकल रहे हैं, फटाफट बाहर चलता हूँ और क्लिप बनाते हैं भाई बढ़िया सी सबकी निकलते हुए, लेट्स गो। ओके गाइस तो फाइनली माइला बाग से हम निकल रहे हैं, और वैसे अगर मैं सजेस्ट करूं तो अगर आप बाइक्स लेकर आते हो ऑफ रोडिंग करने तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आना ज़्यादा मैं प्रेफर करूंगा नहीं। वैसे हाँ पीसफुल अगर आपको चाहिए तो आ सकते हो, और अगर आपको नॉर्मली वैसे एडवेंचर करना पसंद है तो भी आ सकते हो फैमिली वगैरह को लेके, ज़्यादा वैसे कोई इंटरेस्टिंग लगा नहीं इसके अंदर। बाकी बाइक चलाने में तो बड़ा मज़ा आ गया इस रोड पे। थोड़े आगे ले कपिल भाई को टॉर्च करते हैं और सारे भाई निकल रहे हैं फटाफट, तो चलते हैं और मस्त ऑफ रोडिंग के मज़े लेते हैं। थोड़ी सी और ले, पत्थर पड़ा यहाँ पे, वाइट आ गया मेरे पैर में, कर हो गई, ओहो हो गई गाइस फाइनली हमारी गाड़ी चालू, वाइट आ गया थोड़ा पैर में, एकदम ना खिंचाव पड़ता है ना तो उस वजह से हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी ऑफ रोडिंग, मैंने बैटरी चेंज कर दिया क्योंकि एक बैटरी जो है हमारी ख़त्म हो गई थी। चलो भाई अब मस्त ऑफ रोडिंग करेंगे और चलेंगे बाहर की साइड, क्योंकि कल भाई और भी बाहर है गाइस, हमको रास्ता नहीं पता था, नहीं तो मैं उनके लिए निकल जाता, बट यार अब मैं ग्रुप के साथ आया हूँ तो मुझे रास्ता भी नहीं पता, तो इसलिए मुझे ग्रुप के साथ ही जाना पड़ता है। बस ये वाला फील लेना है मुझे एडवेंचर बाइक लेके, एडवेंचर करते करते जो अपन जल्दी करेंगे, बस आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट चाहिए। ओहो एक्सपल्स सारे उड़ते हुए जा रहे हैं सारे, ओ ओ ओ ओ आराम से मेरे भाइयों। ओके गाइस तो ऑफ रोड वाले बंदे जा रहे हैं राइट से, और ओ कोई नहीं कोई नहीं, अबे यार मिट्टी 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 उड़ा दी, पर कोई नहीं थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस बना के चलेंगे। और गाइस रास्ता राइट से भी जाता है और यहाँ से सीधा भी, बट एक्चुअली रीज़न क्या है, कल भाई और अटके हुए हैं बाहर, तो मैं
तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि यार अभी यहाँ से सीधा सीधा जो रास्ता है वो ही पकड़ लेता हूँ, क्योंकि हमारे जो भाई हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, फालतू कोई मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे रास्ते से हम जा रहे हैं, ऑफ रोड वाला रास्ता मैंने नहीं चुना क्योंकि वहाँ का इस एडवेंचर तो होगा, बस कॉन्टेंट भी अपना बन सकता है, बट यार भाई लोग पहले हैं तो कॉन्टेंट तो हम आपको यहाँ पर भी दे देंगे। तो बस आप एडवेंचर देखो और फटाफट से अपन बाहर निकलते हैं ताकि अपन अपने कल भाई और से मिल सकें। मुझे तो लग रहा है गाइस अंदर नेटवर्क वगैरह थे नहीं, आधा एक घंटा हो चुका है, मुझे लग रहा है वो लोग निकलना गए हों, तो कुछ भी नहीं पता। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, जो भी अपना एडवेंचर है इसको आराम से मेरे भाई, तो इसको आराम से अपन मस्त मज़े लेते हैं और बाहर चलते हैं फटाफट कल भाई और के पास, क्योंकि यार भाई भी पता नहीं किस हाल में होंगे, मज़े वो ले नहीं पाए और हम उनके साथ रह नहीं पाए, तो ये दोनों ही चीज़ें एक साथ हो गई यार। चलो कोई नहीं, मज़े करते हैं और बाहर चलते हैं। देखो आवाज़ सुन के पागल हो जाती है भैंस, देख रहे हो बच्चों को, ओहो ओ ओ बैलेंस बिगड़ गया भाई मेरा। गाइस ये हमारी जीटी हो चुकी, आराम से बाबू बाबू नहीं बचाए। एक और जीटी है हमारे साथ, उसमें भी दिक्कत आ चुकी है। गाइस इस गाड़ी की जो क्लच असेंबली है उसकी लग चुकी वाट, आगे से उठेगी भाई। ओटा ओटा।